बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक जो काउंटिंग चल रही थी, नंदीग्राम दो पार्टों में है, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू वन। देखने वाली बात होगी कि ये जो लीड हुई है कौन से ईवीएम में हुई है, ब्लॉक टू में हुई है कि ब्लॉक वन में, ये थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल लीड कर गई है, जो सुबह से लगातार ट्रेल कर रही थी, शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी लीड कर रही है। और जो जितने यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ साफ ये कहना है कि अब ममता बनर्जी का ये लीड लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मौसम बदल चुका है। सुबह से यहाँ पे मौसम बदल गया है और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में लीड ले लिया है। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन यही जश्न जी, भीड़ तो जमा है इस पर। इलेक्शन कमीशन के 2-3 ऑर्डर्स आ चुके हैं लेकिन प्रशासन वहां कुछ भी करता हुआ नहीं दिख रहा। कोरोना का संक्रमण अगर फैला तो जिम्मेदारी किसकी होगी, बहुत बड़ा सवाल है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है आसनसोल से, वहां बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया है। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। खबर है कि जामुड़िया विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरेराम सिंह ने 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार तापस राय को हरा दिया। नतीजे आने के कुछ ही देर बाद आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास मौजूद एक मतगणना स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़ी तपस राय की गाड़ी पर हमला कर दिया गया और उसमें जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। ये तृणमूल कांग्रेस के काडर ही दिख रहे हैं और उन्होंने आपस में और उसमें वहाँ जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। ज़रा मैं अमित सिंह के पास जाना चाहूँगा, अब जो है आने वाले दिनों में ऐसे अगर दृश्य दिखे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तपस राय की गाड़ी पर हमला हुआ है और आरोप जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये दृश्य आ रहा है, हरे रंग का गुलाल लगाकर तृणमूल कांग्रेस के झंडे लहराकर ये कॉलेज के सामने, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने तोड़फोड़ की गई, गाली गलौज भी की गई। अमित जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से तापस राय की गाड़ी पर हमला हुआ है और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से कोलकाता पुलिस जो है वो हरकत में आई है। वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा थे उन्हें कह रही है कि यहाँ से वो जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जो सीनियर मोस्ट अधिकारी, मैं पंकज से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर क्या है। जो अधिकारी हैं वो लगातार समझा रहे हैं। आनंद जी, अब ये जो व्यक्ति है आपके पास है वो जरा आपको परेशान करते हुए लग रहे हैं, उनसे कहने की ये उनसे ये आग्रह करने की ज़रूरत है कि देखिए आप घर पे रहिए, आपको जो कहना है घर से कहिए, वर्चुअली सेलिब्रेट कीजिए, सड़कों पर इस तरह से ना उतरिए। उनके चेहरे पर भी गुलाल लगा हुआ है, लोग भी वहाँ घूम रहे हैं, लोग वहाँ पर 500 के करीब है, पुलिस पर्सन जो है वहाँ पर वो 5, और वो एक दूसरे से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे हैं, कितने लोग उनकी ऐसी बात सुनेंगे। बहुत चिंता वाली बात है। हमारे साथ देवनाथ जी हमारे साथ हैं और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और सारा शाह हलीम जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही अशोक वांखड़े भी हमारे साथ हैं। अमित जी, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ भीड़ जमती हुई नजर आ रही है, आप जरा वहाँ से हटिए, मैं जरा आपकी सेफ्टी के लिए चिंतित हूँ, आपके और आपके विजय की। लोग जो हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं। बादल देवनाथ जी, ये देखिए तृणमूल कांग्रेस का कार्डर देखिए, इसी इलेक्शन कमीशन कहता है मत आइए सड़क पर, दीदी कहती है मत आइए सड़क पर, अब ये सड़क पर आए हैं, इनकी वजह से अब संक्रमण नहीं फैलेगा? तृणमूल कांग्रेस की वजह से कभी संक्रमण नहीं फैलता? बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा आप सबसे आग्रह है, आप लोग सब ठीक हैं, सुकुशल हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। लेकिन